সামনে বছরে আমরা আরো বড় একটা প্রোগ্রাম করছি। জানতে प्रैक्टिस में वापस आने के बाद हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद ब्लॉगर्स से एक नए ब्लॉग में। आज है फिटनेस मैन का ईस्टर्न इंडिया कैटेबल मीट जो कि होने जा रहा है मंत्रा लाइफस्टाइल हेल्थ क्लब में बैकपुर चिड़िया मोड़ के पास। तो वहाँ पे ही चल रहे हैं और हमारे साथ दो बंदे हैं और जैसे आप देख सकते हैं हम लोग बाइक में नहीं हैं आज आलस के कारण और प्लस केटलबेल भी लेके जाना था तो गाड़ी में जा रहे हैं। हम लोग के साथ दो बंदे हैं। सैफ का दूसरा कंपटीशन प्रैक्टिस में वापस आने के बाद दीपायंदा का भी दूसरा कंपटीशन 10 साल बाद। बोलो आज का क्या है क्या चल रहा है क्या आज भी बस चल रहा है बस टेंशन लग रहा है क्योंकि मेरे जज अर्नब सर है तो मेरे को अपना नो काउंट बचाना है बहुत हाथ नहीं उठाना बस ये माइंड में चल रहा है और कुछ नहीं बाकी सब बढ़िया। दीपायंदा क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन आज मेरा सेकेंड कॉम्पिटिशन है एक्साइटेड हूँ बहुत अच्छा अच्छा कॉम्पिटिटर आ रहा है टफ होगा कॉम्पिटिशन 10 मिनट का है तो इसलिए थोड़ा डर भी है देखते क्या होता है। पहला 10 मिनट है? हाँ पहला 10 मिनट बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरा प्रैक्टिस सेट है 6 से 7 मिनट का सेट है और मतलब वर्कआउट है मेरा बट हम वहाँ जाके वर्कआउट कर रहे हैं 6-7 मिनट का सेट है और फिर उसके बाद रेस्ट लेके 2-3 मिनट का 4 मिनट का और 1-2 सेट है तो यही है। Sometimes I need a phone call, but you are still unanswered. You break my heart in pieces, but you don't care, no. You just don't care, no. तो अपना 7 मिनट का सेट ख़त्म हुआ। सबसे बड़ा गलती ये हुआ कि चौक थोड़ा सही नहीं लाया हम अपना जो चौक था थोड़ा स्लिपरी था और सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि अपना पहला वाला जो बेल्ट है वो पहन के हम जो सैफ और दीपायंदा का लिए लाया था बट जो मेरा अपना बेल्ट है वो बेल्ट हम घर में ही भूल गया तो स्विंग का टाइम पूरा काफ़ी फोरआर्म के पास हल्का छिला गया है जिसकी वजह से क्लीन सही नहीं हो रहा था रैक में बैठ रहा था पर बीच बीच में वो ये बेल्ट पतला है थिकनेस बहुत कम है बहुत ही ज़्यादा कम है तो क्लीन करके थोड़ा सा हाथ स्लिप खा रहा था तो उसके बाद फिर वापस रीरैक करना पड़ रहा था तो ठीक है अच्छा गया सेट कुछ RPM कम हुआ है बाकी अभी रेस्ट लेके फिर एक छोटा सा इंटरवल सेट है सेट करते हैं स्विंग करते हैं बाकी दीपायंदा से अभी परफॉर्म किया काफ़ी अच्छा तो थोड़ा सा बस ये अफसोस है कि ट्रेनिंग थोड़ा सा
मतलब क्या बोल सकते हैं, अब नहीं भूलना चाहिए, मेरा गलती है बट भूल गया, दिमाग से निकल गया। चलिए सेट ख़त्म करते हैं। तो आज का वर्कआउट सेट ख़त्म, 3 मिनट का सेट कम RPM पे, थोड़ा एवरेज RPM पे किया और आराम स्विंग्स। बाकी मेरा सेट ख़त्म, अभी मिनी पेंट चल रहा है सैफ का, फिर दीपाइंदा का। चलिए los días sueño contigo, quiero estar a tu lado, todos los días me siento solo, quiero estar a contigo. সামনে বছরে আমরা আরো বড় একটা প্রোগ্রাম করছি, জানতে পারবেন এক্ষুনি, তো সবাই সাথে থাকুন আর সামনের দিনগুলো আরো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করুন। से गाड़ी खोज रहा था हम लोग, एट लास्ट गाड़ी मिल गया, प्रेजेंटेशन से मैंने डन। उसके बाद मार्च का आने वाला कंपटीशन नेशनल्स होने वाला है, उसके लिए मीटिंग हुआ है हम लोग का, काफ़ी सारा बात हुआ है, काफ़ी सारा नया चीज़ इंक्लूड होने वाला है जो कि कंपटीशन को और एक्साइटिंग बना देता है। तो अभी गाड़ी आता है, घर चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, फ्रेश होते हैं, बॉडी थोड़ा थक गया है। कैसा गया कॉम्पिटिशन पहला 10 मिनट? अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सोचे नहीं थे कि इतना रैप्स मारेंगे, मतलब जो RPM डांसर सेट किए थे वही RPM लेके चल रहे थे, बट जो 10 मिनट का सर्वाइविंग जो होता है वो ऑन ट्रेनिंग हुआ नहीं था, ये मेरा स्टेज में हुआ ऑन, मतलब स्टेज 10 मिनट बहुत अच्छा किया, मज़ा आ गया। कितना रैप्स मारे? 101। 101 तो आप बुरा इंसान। मेरा भी बहुत अच्छा गया, रैप्स मारा अच्छा ही गया। पहला 10 मिनट ऑन स्टेज।
सब घर आ चुके हैं, थक के हालत ख़राब है। इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। शायद एक वर्कआउट व्लॉग और मैं अपलोड करूँगा और फिर मुंबई के लिए नेक्स्ट वीक निकल जाऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। Помни меня, лицо на мира, я помню только пин-код.